गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2. सो टुडे वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर ऑल्सो. आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, फिनिश करेंगे. काफ़ी लंबा ये चल चुका है, तो शुरू करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि डिवाइड द सम ऑफ 65 बाई 12 एंड 8 बाई 3 बाई देयर डिफरेंस. कहता है कि डिवाइड करो इसको, सम को, किसके सम को, 65 बाई 12 एंड 8 बाई 3 के सम को. किससे डिवाइड करना है, उन देयर डिफरेंसेस, उनके डिफरेंस से हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है. तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, सम फाइंड आउट करना है. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है हमारे, इसमें तीन क्वेश्चन है. इस एक क्वेश्चन में हमारे पास कितने क्वेश्चन है बेटा, थ्री क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे देखेंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर, सम ऑफ 65 बाई 12 एंड 8 बाई 3. क्या हो जाएगा बेटा, 65 बाई 12 प्लस 8 बाई 3. तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. या तो आप कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे अभी तक आप एलसीएम फाइंड आउट करते आए हैं, या फिर मैंने आपको बताया था कि बड़े वाली टेबल, बड़े वाले नंबर की हमें क्या करना है, टेबल को रीड करना है, या फिर हमें देखना है कि बड़े वाला नंबर जो है वो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब 12 की टेबल, 12 वन जा 12, क्या 3 से, 3 की टेबल में 12 आता है, 3 फोर जा 12, तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, 12 ही एलसीएम में आ जाएगा. ठीक है बेटा, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 12. अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, डोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे. 12 वन जा 12, 1 की मल्टीप्लाई 65 से, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वही नंबर आता है. 1 इंटू 65 प्लस 3 4 जा 12, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 12 को, तो क्या आया, 4 आया. 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, इनको क्या करना है, प्लस करना है. 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 6 9 अपॉन 12, तो क्या आया बेटा हमारे पास, 97 बाई 12. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ 65 बाई 12 एंड 8 बाई 3. डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि उनको क्या करना है, माइनस करना है. सम का मतलब क्या होता है कि उनको क्या करना है, प्लस करना है. 65 बाई 12 माइनस 8 बाई 3, तो अब फिर से हमारा एलसीएम क्या आएगा बेटा, 12 आएगा. अब 12 वन जा 12, तो 1 की मल्टीप्लाई 65 से 65, 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई 8 से 32. अब क्या करना है, माइनस करना है, 5 में से 2 गए तो 3 एंड 6 में से 3 गए तो 33 बाई 12. क्या आया, 33 बाई 12. अब क्या करना था, सम को डिवाइड करना था किससे, डिफरेंस से. सम क्या आया था, 97 बाई 12. क्या आया था, 97 बाई 12. इसको हमें किससे डिवाइड करना है, उनके डिफरेंस से. डिफरेंस क्या है हमारा, 33 बाई 12. तो इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 33 बाई 12. अब क्या करेंगे बेटा कि डिवाइड को चेंज करेंगे किस में, मल्टीप्लाई में. 97 बाई 12 इंटू, ये क्या हो जाएगा, अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, नोमिनेटर, और नोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर. तो 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल. ठीक है बेटा, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो क्या आ गया हमारे पास, 97 बाई 33. इसको किस में चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में. इसमें चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में, वो आप चेंज करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 2 एंड 31 बाई 33. क्या आएगा, 2 एंड 31 बाई 33. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है बेटा, द कॉस्ट ऑफ
15 मैथ बुक्स इज रुपीज 370 एंड 1/2 रुपीज। ठीक है बेटा, कहता है कि 15 नोटबुक, मैथ की 15 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा, 370 एंड 1/2 रुपीज़ है। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक। ईच बुक का मतलब क्या है बेटा, कि एक बुक की हमें क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो द कॉस्ट ऑफ वन मैथ बुक, ठीक है बेटा, एक मैथ बुक की कॉस्ट क्या होगी बेटा। ठीक है, जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। जब छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 15 था, 15 से कहाँ पे आ रहे हैं, वन पे, छोटे नंबर पे आ रहे हैं, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। किसको किससे डिवाइड करेंगे देखेंगे बेटा, रुपीज़ 370 एंड 1/2 डिवाइड बाई 15। किससे डिवाइड करेंगे, 15 से। जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसी से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, अब इसको किस में चेंज कर लेते हैं, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको किस में चेंज कर लेते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 0 0 0 + 1 1, 2 7 14, 1 carry, 2 3 6 एंड 1 7, 7/2 डिवाइड बाई 15। ठीक है बेटा, अब डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा, तो देखेंगे डिवाइड को चेंज किया हमने मल्टीप्लाई में, 7 4 1 / 2, नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा, अब क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल, तो क्या हो गया, 1/15। अब देखेंगे कि 5 + 1 6 हो जाता है, 7 + 4 11 एंड 1 12, तो दोनों ही नंबर हमारे किससे कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 = 15, इसको डिवाइड करेंगे 3 से और यहाँ पे लिख देंगे, 3 2 = 6, 1 remainder 14, 3 4 = 12, 2 remainder 21, 3 7 = 21। अब 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, ना 2 से ये डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 4 7 / 10, क्या थे ये, रुपीज़ थे, क्या थे ये, रुपीज़ थे। अब 10 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और किस में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 2 = 20, रिमाइंडर 4 and 47, 10 4 = 40, रिमाइंडर 7, रिमाइंडर कहाँ पे आता है, ऊपर, और डिवाइजर कहाँ पे आता है, नीचे। तो क्या आ गया हमारे पास, 24 rupees and 7/10, क्या आ गया हमारे पास, 24 rupees and 7/10। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है बेटा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36/11 एंड 49/22 फ्रॉम द सम ऑफ 33/8 एंड -19/4। कहता है कि इन दोनों के सम में से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सम ऑफ -36/11 एंड 49/22 क्या हो जाएगा बेटा, -36/11 एंड की प्लेस में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, 49/22। ठीक है, अब बड़ा नंबर कौन सा है, 22 है, 22 क्या 11 से डिवाइड होता है, 11 2 = 22, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 22 ही आ जाएगा, 11 2 = 22, 2 से क्या करना है, 36 की मल्टीप्लाई, 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 1 7, किसके, माइनस के।
प्लस 49/72। 22 से 22 को डिवाइड किया तो क्या आया, वन वन की मल्टीप्लाई 49 से, तो क्या आ गया बेटा, 49 ही आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये कैसे नंबर है, अनलाइक इंटीजर है, तो क्या करना है, साइन को भूल करके बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो माइनस करते हैं, 72 है बड़ा नंबर, 72 में से 49 को माइनस किया, 12 में से 9 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 23/22। लेकिन अब हमें देखना है बेटा कि जो बड़ा नंबर हमने लिया था 72, वो किसका था, माइनस का था, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है बेटा, आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का। तो करते हैं, सम ऑफ 33/8 एंड -19/4। तो क्या करेंगे, 33/8 एंड की प्लेस पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, -19/4। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, जब भी माइनस वाला नंबर होगा तो उसको किसमें पुट करना है, ब्रैकेट में पुट करना है। ठीक है बेटा, अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की फाइट होगी, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा, 33/8 -19/4, क्या आ गया, -19/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 4 से क्या हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो एलसीएम क्या आया हमारा, 8 आया। क्या आ गया, एलसीएम हमारा 8 आ गया। ठीक है बेटा, 8 1 जा 8, 1 की मल्टीप्लाई 33 से, तो 133 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 33 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 जा 8, अब 2 की मल्टीप्लाई 19 से, 19 2 जा क्या आ जाएगा, 38 में से अब साइन को भूल करके देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, 38 बड़ा है, 38 में से क्या माइनस कर देंगे, 33, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 5। अब बड़ा नंबर किसका था, माइनस का था, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का, -5/8। लेकिन अभी तो हमें क्या किया बेटा, सम फाइंड आउट किया, अभी तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी है। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ 36-11 एंड 49/22, इन दोनों का सम क्या आया था हमारे पास, -23/22। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम सम ऑफ 33/8 एंड -19/4, इन दोनों के सम में से, इन दोनों का सम क्या आया था, -5/8। फ्रॉम से बाद वाला नंबर कहाँ पे आता है बेटा, पहले आता है, -5/8 पहले आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगी, माइनस आएगी, और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -23/20। ठीक है बेटा, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम साइन है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, -5/8 माइनस माइनस प्लस 23/22, क्या था ये, 22। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, किसका, 8 का और 22 का, तो 4 2 से किया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 11 जा 22। अब किससे करेंगे, 2 से किया, 2 2 जा 4 11 जा 2 1 जा 2 11 एज इट इज बेटा। अब किससे करेंगे, 11 से 1 11 1 जा 11, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 into 2 into 2 into 11, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 11 8 जा 88, क्या आ गया, 88, क्या एलसीएम आ गया, 88। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया बेटा, 88। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 5 से, 11 5 जा 55, किसके, माइनस के। फिर 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, 22 4 जा 88, 4 से 23 की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 1 9। अब क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, किसमें से, 92 में से 55 को, 12 में से 5 गया तो क्या आया हमारे पास, 7 आया,
क्या आया हमारे पास है, 7 आया, और 8 में से 5 गया तो 3 आया, किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, प्लस का है, अपॉन 88। ये क्या आ गया हमारा आंसर है, आ गया आपका, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। इस बेटा क्वेश्चन नंबर 17, दिस वन इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड देन ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या कहता है, बाई वाट नंबर शुड दिस नंबर बी डिवाइडेड बाई डिवाइड टू गेट -11/2। कहता है कि किस नंबर से -30/8 को डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर क्या आए बेटा, -11/2 आए, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि किस नंबर से डिवाइड करें, जिस नंबर का हमें नहीं पता होता उसको क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, उसको क्या लेट करेंगे बेटा, एक्स लेट करेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने नंबर क्या मान लिया बेटा, एक्स कर लिया। अब एक्स से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, -33/8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू -11/2, ठीक है बेटा। अब जिस नंबर का हमें नहीं पता होता उसको हम क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं, और वो क्या लेट कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। अब इस नंबर को हमें x से क्या करना है, डिवाइड करना है, हमें क्या मिलेंगे, -11/2, ठीक है बेटा। तो अब x क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं बेटा कि ये नंबर क्या है, डिवाइड में, इसको ले जाते हैं उधर, लेकिन ये नहीं है नंबर डिवाइड में, डिवाइड में क्या है, x है, डिवाइड में क्या है, x है, तो x जाएगा उधर, x उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, x उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 33/8 इज इक्वल टू -11/2, ये इधर आया तो क्या हो गया बेटा, x हो गया, मल्टीप्लाई में किस क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। डिवाइड वाला इसमें इधर आया तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में, और मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस दूसरे नंबर को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि x डिवाइड में, तो अब x ही तो मल्टीप्लाई में हुआ, तो हम x को उधर क्यों नहीं लेके जा रहे, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। और मल्टीप्लाई में क्या होता है बेटा, 2 × या फिर 10 × 5 करो या 5 × 10 करो, आंसर क्या आएगा, 50 ही आएगा, आंसर क्या आएगा, 50 ही आएगा। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होता, 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, अगर 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5/10, क्या आ गया हमारे पास, 5 × 2 = 10, 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2, ठीक है बेटा। दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं, इसलिए हम डिवाइड में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई में दोनों नंबर हम कैसे भी लिखें वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम किसको लेके आएंगे, इस तरफ -11/2 को, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, -33/8 डिवाइड बाई -11/2 इज इक्वल टू एक्स, ये इधर आया, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो साइन भी, ये किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब डिवाइड को किस में चेंज करते हैं हम, मल्टीप्लाई में, तो नंबर का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, 2/-11, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 11 × 3 = 33, 2 × 4 = 8, ये क्या था हमारा, एक्स, एक्स क्या आया हमारे पास, 3/4, दैट इज़ योर आंसर। जब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -11/2 आएगा, ठीक है बेटा। कुछ टीचर्स इसको शॉर्टकट में करवा देते हैं बेटा, लेकिन एक्स वाला मेथड आपको आना चाहिए, आप सेवन्थ में आ चुके हैं, वो क्या करवाते हैं बेटा, 33/8 को सीधा इससे डिवाइड करवा देते हैं। क्यों करवाया इसको इससे डिवाइड, इसका उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है बेटा।
तो इसलिए इसको किससे करेंगे, ये एक्स है, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे क्वेश्चन को रटना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन को रटना नहीं होता, क्वेश्चन को क्या करना होता है, बेटा समझना होता है, इसलिए ये क्वेश्चन किससे होगा, एक्स से ही बेटर होगा, ठीक है, ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नाउ कंप्लीट योर फेयर नोटबुक एंड सेंड मी, ठीक है बेटा।